ये दोस्तों वही चट्टान है जो सातों बहनियों के हाथ रखने से अलग हो गई थी, देख सकते हैं। धक्का ने क्यों दे रही हो पीछे आने, देखो देख सकते हैं यहाँ पे। वीडियो ने बना फिर बाद आ गया। नहीं भभूति नहीं लगाओ पंडित जी, क्या है कि गंगा जी की। अरे नहीं नहीं रहने दीजिए, आप हमें दर्शन कर लेने दीजिए, दर्शन कर लिया। अरे नहीं पंडित जी, हमारी आशीर्वाद को। अरे आशीर्वाद हम आपको माने, लेकिन हमारे पास पैसे। अरे अरे पंडित जी रुक जाइए, पहचान मानेगा तो तेरे वचन से तो पहचान ले भगवान ने। रुद्रा देख रुद्रा। अच्छा एक मिनट एक मिनट, तो पहले मुझे रुक तो जाओ। अच्छा ये तो बताइए, पहर रखी है आपने रुद्रास? ये देख सकते हैं कामधेनु माता, इनका एक पैर यहाँ पे है दोस्तों, और चार पैर ये है, एक पैर ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी चलते हैं अपन ऊपर की तरफ, जहाँ देख सकते हैं गाइस कितना सारा क्राउड यहाँ पे, आगे साइड भी और पीछे भी। फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपन नीचे वाले मंदिर, और अभी चलना है ऊपर वाले, तो पहले नीचे वाले में दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ऊपर वाले में। तो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज है नवरात्रि का सातवां दिन, तो हमने सोचा क्यों ना गिरवा खत्री पहाड़ माँ विंध्यवासिनी जी के दर्शन किए जाएँ। तो अभी चलते हैं यहाँ से गिरवा की तरफ, खत्री पहाड़ जो माता विंध्यवासिनी जी का स्थान है, और वहाँ के बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे आगे। चुके हैं अपन नीचे वाले मंदिर, और अभी चलना है ऊपर वाले, तो पहले नीचे वाले में दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ऊपर वाले में। और आज सप्तमी का दिन है, इसके बाद आठवां दिन जो आएगा उसमें दिन पूरे दिन दोस्तों पट बंद रहेंगे, क्योंकि ऐसा मानना है कि माता विंध्यवासिनी आठ के दिन आती हैं यहाँ पे। गाइस हमने फाइनली अंदर दर्शन कर लिया है, और यहाँ पे क्राउड ज़्यादा था, और अंदर गाइडलाइन थी कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना मना है। तो अभी हमें चलना है सीधे ऊपर की तरफ इस साइड, तो ऊपर चलते हैं परिक्रमा, मतलब ऊपर माता के दर्शन करने, ठीक है। अगर ना पड़ता है बिल्कुल ऊपर आने के लिए, और जैसे ही हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, एक हनुमान जी का है, एक काली माता का है, दो तीन मंदिर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे 6-7 फिट की ये सीढ़ियाँ हैं, और इसी में दोनों लोग एक साइड से जाना एक साइड से आना, तो काफ़ी लोग थक जाते हैं तो बीच में रुक जाते हैं, जिसकी वजह से पीछे वाले की भी स्पीड की ऐसी तैसी हो जाती है। और ये देखिए नीचे का क्राउड, देखो वो है वहाँ पे बाइक पार्किंग, देखो ये दिख रही है, और ये है गिरवा नीचे। तो अभी थोड़ा और ऊपर चढ़ना है, फिर चलते हैं आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। तो फाइनली आ चुके हैं हम 250 सीढ़ियों का सामना करके, जो 250 सीढ़ियाँ और बची हैं, उसके बाद सामने हमें मंदिर दिख जाएगा फ्रेंड्स। और अभी यहाँ से हम आपको दिखाएँगे जहाँ वो पहाड़ सफ़ेद चट्टान माता के हाथ रखने से टूटी हुई थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे। ये देख सकते हैं कामधेनु माता, इनका एक पैर यहाँ पे है दोस्तों, और चार पैर ये है, एक पैर ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी चलते हैं अपन ऊपर की तरफ, जहाँ हमें मंदिर की तरफ जाना है, ठीक है। भाई साहब अभी गर्मी बहुत है, और गर्मी का सामना भी करना पड़ रहा है, और भीड़ इतनी है कि क्राउड मतलब चलते नहीं बन रहा है, थोड़ी सा चले लोग बाग रुक जाते हैं, थक जाते हैं बैठ जाते हैं, लेकिन पीछे वाले को रास्ता मिलती नहीं है निकलने के लिए। और अभी हम आपको दिखाएंगे ऊपर वो जो चट्टान भी है, जो चट्टान में माता सातों बहनों का हाथ लगा था, जिससे वो चट्टान अलग हो गई थी, वो चट्टान भी दिखाएंगे, और हनुमान जी का मंदिर भी दिखाएंगे। तो अभी ये थोड़ा भीड़ थोड़ा ऊपर जाए, फिर चलते हैं अपन ऊपर। देख सकते हैं गाइस कितना सारा क्राउड यहाँ पे, आगे साइड भी और पीछे भी। बहुत क्राउड है, चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे 10 फीट की रास्ता है, और 10 फीट में लोग आते भी हैं और जा भी रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं नीचे भी आ रहे हैं, और देख सकते हैं पीछे क्राउड कितना सारा क्राउड है।
हम इसीलिए थोड़ा सा बैठ गए हैं। हमने कहा थोड़ा सा बैठ लिया जाए क्योंकि ऐसे लाइन में लगने से अच्छा है कि बैठ के थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ के नज़ारे के बारे में थोड़ा बता दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत भीड़ का सामना करके पहुँच चुके हैं हम सातों बहनियों की चट्टान। दोस्तों यहाँ पे सातों बहनियों ने अपना हाथ रखा था जिससे चट्टान अलग हो गई थी। ये चट्टान देख सकते हैं, ये चट्टान अलग हो गई थी। ये चट्टान दोस्तों अलग हो गई थी। ये दोस्तों वही चट्टान है जो सातों बहनियों के हाथ रखने से अलग हो गई थी, देख सकते हैं। धक्का क्यों दे रही हो पीछे आओ ना, देख सकते हैं यहाँ पे। ये माता का मंदिर है, महेश्वरी माता का, देख सकते हैं आप लोग दर्शन कर लीजिए डिजिटली। अब यहाँ से एक और मंदिर है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो साथियों आ चुके हैं हम मंदिर के बिल्कुल ऊपर, 551 श्रेणियों का सामना करके हम आ चुके हैं सबसे टॉप में। और वहाँ पे माता विंध्यवासिनी का जो पुराना, सबसे पुराना वो है मंदिर जहाँ पे उनकी प्रतिमा है। और वो सात बहनियों ने जहाँ एक साथ हाथ रखा था वो चट्टान भी हमने आपको दिखाई। एक यहाँ पे काली माता का मंदिर भी है और एक महेश्वरी माता का मंदिर भी है, तो वो भी हमने आपको दिखाया। अब आपको एक जानकारी और बता दें, 551 श्रेणियों का आप सामना अगर नहीं करना चाहते हैं या फिर कोई सीनियर है तो नीचे भी माता का मंदिर है, आप वहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़्यादा ही इच्छा है तो फिर आप आइए ऊपर 551 श्रेणियों का सामना करके और फिर दर्शन करिए माता के। और आज दोस्तों सप्तमी का दिन है तो भीड़ कुछ ज़्यादा है क्योंकि अष्टमी को यहाँ पे कहा जाता है कि माता आती हैं और यहाँ पे पूरे पट बंद रहते हैं। अष्टमी को यहाँ पे नो अलाउड किसी को भी, ठीक है। तो हमारे अभी दर्शन हो चुके हैं तो अभी चलते हैं क्योंकि वहाँ पे गाइडलाइन है कि माता के पास फ़ोटो वगैरह नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, तो इसीलिए हमने सोचा क्यों गाइडलाइन तोड़े। तो अभी यहाँ पे आ चुके हैं। और दोस्तों इस मंदिर की शुरुआत 17 सितंबर 1974 में हुई थी, ठीक है। और जो बांदा से 20 किलोमीटर है इस साइड, तो आप लोग आ सकते हैं। गिरवा खत्री पहाड़ के नाम से है ये मंदिर और श्रापित पहाड़ है और सफ़ेद पहाड़ है दोस्तों, अलग देखने से दिख जाता है कि सफ़ेद है पहाड़। तो आप भी आइए, नवरात्रि का सप्तमी का दिन था, हम भी आए, लेकिन दोस्तों बहुत क्राउड है। अगर आप बूढ़े हों या बच्चे हों या फिर जो ऊपर चढ़ने में असमर्थ हों तो वो नवदुर्गन के टाइम नीचे ही रहें क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। देख सकते हैं पसीना भी आ रहा है और गर्मी भी है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं पीछे का नज़ारा, देख सकते हैं यहाँ से पीछे का नज़ारा नीचे का कितना शानदार आ रहा है। और वो यहाँ से मंदिर और यहाँ से ये क्राउड देखते हुए, इस साइड भी ये क्राउड और यहाँ से 551 सीढ़ियों का सामना करके जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो फाइनली आपको दिख जाएगा माँ विंध्यवासिनी जी का प्राचीन मंदिर और फिर उसके बाद सातों बहनियों ने जहाँ हाथ रखा था वो भी आपको दिख जाएगा। और अभी चलते हैं हम आगे साइड की तरफ, देखते हैं शायद वहाँ पे कितना क्राउड है। लेकिन क्राउड तो दोस्तों बहुत है, आप लोग बिल्कुल भी मतलब बूढ़े और बच्चों के साथ तो बिल्कुल मत ऊपर चढ़िए, अगर आप चढ़ते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो फ्रेंड्स ये है यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर, मुख्य मंदिर जिसे कहते हैं, और अंदर बहुत सारा क्राउड है। हम आपको पिछले वाले ब्लॉग में दर्शन करा दिए थे और देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी दर्शन हो भी रहे हैं। अभी हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि सांस है तो सब कुछ है, बहुत ज़्यादा अंदर गर्मी है और क्राउड भी बहुत है, छोटी सी जगह है। तो अभी चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं बाहर। फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं हम लोग नीचे आ रहे थे लेकिन गर्मी ने अपना रुख थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा बादल हो गए हैं यहाँ पे और बादल होने के साथ साथ थोड़ी सी ठंडक भी महसूस होने लगी है। तो अभी यहाँ से नीचे उतरते हैं, देख सकते हैं यहाँ का क्राउड कितना सारा है, अभी सब लोग नीचे उतर रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये थी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे 10 फुट की सीढ़ी है और इसी में आदमी जाता है और आता है, और कुछ ऐसे इम्यून सिस्टम वाले हैं जो बैठ जाते हैं रास्ते में तो पूरा रास्ता जाम हो जाता है और जिसके कारण जो चलने वाला इंसान होगा वो तो साला और ही नहीं चढ़ पाएगा, ठीक है। तो जो कैपेबल है और जो आने के लायक है तो ऊपर वही आए, बच्चे बूढ़े बिल्कुल ना आए, अगर जिम्मेदार वो खुद होगा, ठीक है। तो अपनी श्रद्धानुसार और अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार ही ऊपर के दर्शन करें अन्यथा नीचे से ही काम चलाएं, ठीक है। तो चलते हैं, पर अब नीचे दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। फाइनली भाई हम उतर आए हैं नीचे मंदिर के पास और देख सकते हैं, ठीक है।
अभी यहाँ पे थोड़ा सा रहते हैं, फिर करते हैं इस ब्लॉग को एंड। तो ठीक है साथियों, चलते हैं, आ गए हैं हम बिल्कुल नीचे, अब वापस भी जा रहे हैं अपने घर की तरफ। जाते जाते एक ही बात बोलेंगे, करते हैं अब इस ब्लॉग को एंड। ठीक है, माता के दर्शन हो गए हैं और बहुत सारा क्राउड यहां से जा रहा है माता के दर्शन के लिए, और कल अष्टमी है जैसे कि हमने बताया, कल पट बंद रहना है, इसलिए आज कुछ ज़्यादा ही क्राउड है। तो अभी चलते हैं, हमने अपनी बाइक उठा ली दोस्तों। सबसे ज़्यादा मुझे अपनी बाइक की टेंशन रहती थी कि कैसी रखी है, कैसी क्या नहीं, लेकिन हालांकि माता की कृपा से और मेरी पर्सनल माइंड से ऐसा मैंने जुगाड़ लगाया कि गाड़ी के पास एक बंदा बैठा रहा, मतलब मैं उसे जानता नहीं था, हालांकि वो सिक्योरिटी गार्ड था, वो बैठा रहा और मेरी गाड़ी ताकि रहा और छायरे में मेरी गाड़ी रखी रही। ठीक है, तो अब चलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे किसी अगले ब्लॉग में। जाते जाते एक ही बात बोल देंगे, चिंता किस बात की, जय बागेश्वर धाम की। इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ करते हैं हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। धन्यवाद।